और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग हिंदी सॉन्ग, तो आप भी उस तरह का व्हाट्सअप जो स्टेटस भी है वो बना सकते हैं। अगर आपको बनाने के लिए अलर्ट मशीन नहीं है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले सकते हैं, या फिर आप गूगल या क्रोम से डाउनलोड कर सकते हैं, वो बिना ऑटोमेन का। हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अलर्ट मशीन एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं और जल्दी से आप लोगों को बता देते हैं। और इसमें टाइम लगेगा इसलिए थोड़ा जल्दी से वीडियो एडिटिंग करना सिखा देते हैं। अलर्ट मोशन ओपन हो जाने के बाद प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसको अलर्ट मोशन में इंपोर्ट कर लेना है। तो मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर चला जाता हूँ, देख सकते हैं उसमें मैंने क्लिक कर दिया, फुल प्रोजेक्ट बस इतना एडिटिंग। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो दिख रहा होगा यहाँ पे जो सिलेक्ट ऑल लेयर कर लेना और ऊपर से इन चारों को वापस कुछ इस तरह से क्लिक कर देना, इसके ऊपर इस साइड में दबाना। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है, नीचे आ जाना है नीचे, और यहाँ से इस सॉन्ग इन दोनों को आपको कुछ इस प्रकार से कर लेना। उसके बाद जो एक इफेक्ट है यहाँ पर, जो ये कुछ इस यहाँ पर इफेक्ट है, तो कुछ इस प्रकार से आप इसको इन दोनों इफेक्ट को और एक ये एक ये एक ये एक ये यहाँ तक, मतलब ये सफ़ेद सफ़ेद जहाँ तक नहीं है सफ़ेद तक, इसको कुछ इस प्रकार से कर ले। उसके बाद यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हटा देना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे हटा दिया, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हो चुका है। तब आपको क्या करना है, ये जो फोटो दिख रहा होगा इन सब फोटो को आप चेंज कर लेना है। यहाँ पे एक ये कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, इसको आप आग से बंद कर सकते हैं तो नहीं आएगा। देख सकते हैं यहाँ पे आप फोटो कुछ इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। कलर वाला आइकन पर क्लिक करके स्टार वाले ऑप्शन पर कुछ इस प्रकार से आप प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लगा लेना है। कुछ इस प्रकार से लगा लेना अपने को भी, देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लगा लिया फोटो, और यहाँ पर भी लगा लेना है और ग्रुप के एंड में चले जाना है, ठीक है। यहाँ पे इस फोटो पे क्लिक करके कलर फाइल पे क्लिक करके स्टाइल ऑप्शन पे क्लिक कर देना, और यहाँ पर भी फोटो सिलेक्ट कर लेना और प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना, और इस फोटो को कुछ इस प्रकार से खिंचका लेना है अपने, ठीक है। इसके बाद फिर पिक कर देना है, इसके बाद थोड़ा आगे खिंचका लेते हैं। और आप यहाँ पर भी फोटो चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं, मैं यहाँ पर चेंज करके दिखा देता हूँ। कलर वाले आइकन पर क्लिक कर देता हूँ और इसने एडिट ग्रुप पर चले जाना है, और यहाँ पर दोनों फोटो पर क्लिक करके कलर वाले आइकन पर क्लिक करके स्टार वाले ऑप्शन पर क्लिक और फोटो पे क्लिक करके प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना, ठीक है। ये आ चुका है यहाँ पे, और ये अंदर वाला फोटो चेंज करना है तो वहाँ पे चेंज कर सकते हैं, मैं रहने देता हूँ ज़्यादा टाइम हो रहा है। इसके बाद इसको करके नीचे जाऊँ और यहाँ पे फोटो को चेंज कर लेना है, तो मैं यहाँ पे फोटो को चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे ये फोटो लगा देता हूँ और प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देता हूँ। आ चुका है, अब देख सकते हैं यहाँ पर दिखा देते हैं, ये कुछ इस प्रकार से हो चुका है। अब क्या करना है, इन पाँच छः कितने, एक दो तीन चार पाँच छः सात सात इस सात या आठ कहाँ से हो गए, अपने को सात को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने का यहाँ पे आगे आ जाना है और कुछ इस प्रकार से आप पेस्ट करते जाना है। फिर एक बार ऐसे क्लिक करके आप ऐसे ही पेस्ट करते जाना है। तो यहाँ पे सभी जगह पेस्ट कर देता हूँ जल्दी जल्दी से। देख सकते हैं मैंने सभी जगह ऐसे पेस्ट कर देता हूँ, और लास्ट में आने वाला हूँ, देख सकते हैं आ चुका हूँ लास्ट में मैं। आप तो आप कुछ इस प्रकार से आप भी जो कि अपना स्टेटस बन के तैयार हो चुका है, अब यहाँ से आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको एक्सपोर्ट कर लेना, ठीक है। देखिए यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। जब तक के लिए जय जवाहर, जय हिंद।